सिंह को जंगल का राजा कहते हैं। सभी पशु पक्षी उसका बल मानते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। परंतु सिंह को भी अपने भोजन के लिए आखेट करना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है, बड़ी दूर तक उसे अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है और तब जाकर उसे भोजन मिलता है। और कई बार उसके ये कठिन प्रयास भी असफल होते हैं। यदि सिंह ये सोचकर बैठ जाए कि मैं तो वन का राजा हूं, मेरा भोजन स्वयं मेरे मुख में आकर गिर जाए, तो वो भूखे मर जाएगा। क्या समझे? राजा हो या रंग, उद्यम सभी को करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत, परिश्रम, यही तो सफलता की कुंजी है। यदि जल पाना है तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए जिसने जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। मेरा कवच, मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं, वो केवल एक ढाल थी। दुर्योधन की ढाल मैं, मेरी मित्रता है। और ये मित्रता मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सदैव अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की है और आज भी मैं ऐसा ही करूंगा। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पा, जिसका तुम्हें वध करना है। ये धर्म युद्ध उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया, अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत। भूल गए लक्षाग्रह, कल तुम कर्ण से हो। भूल गए वो द्यूत सभा, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार, कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध। कुरुक्षेत्र पुत्र का धर्म होता है बढ़ती आयु में अपने पितामह को संभालना। मैं युद्ध क्षेत्र में मैं कैसे गिरा सकता जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, जिनके कारण आज मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। उन गुरु द्रोण पर बाण संधान कैसे कर सकता हूं मैं? जीवन में पहली बार आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, अर्थात ये सब ठीक नहीं।
क्या हुआ पार्थ? जो अपने दृढ़ संकल्प और अचूक लक्ष्य भेदन के लिए जाना जाता है, जो केवल शब्द सुनकर उसका लक्ष्य भेद कर सकता है, आज वही अर्जुन विचलित है या उसके बाण विचलित है? पार्थ, कुछ कहना चाहते हो? यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह, कोई संकोच है तो उसे अपने सखा से बांट सकते हो। नहीं माधव, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ अधिक ही थक गया हूं मैं, कदाचित इसीलिए। बड़ी विचित्र बात है, जो अर्जुन इतने वर्षों की कठिन तपस्या में नहीं थका, जो 12 साल के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में नहीं थका, वो आज केवल 1 दिन में थक गया। कोई बात नहीं पार्थ, असाधारण मनुष्यों के जीवन में विचित्र कथाएं होती ही रहती हैं। आओ शिविर में चलकर सभी वीर मिलकर भोजन करें। कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है पार्थ। किसे ज्ञात, किसके साथ दोबारा भोजन करने का अवसर ही ना मिले। हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है मामा श्री? क्या, मुझे तो लगा कि तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया है। कल आरंभ हो रहे युद्ध के निर्देश देने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। पधारने के लिए धन्यवाद। परंतु तुमने हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है कर्ण? बताता हूं मित्र, पहले सभा पूर्ण हो जाए। अभी एक योद्धा का आना शेष है। इससे पूर्व कि किसी के भी मन में कोई विचार उत्पन्न हो, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे यहां आने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं यहां केवल अंगराज के आग्रह पर उपस्थित हुआ हूं। जानना चाहता हूं इस सभा को बुलाने का उद्देश्य क्या है मित्र? उद्देश्य है युद्ध में विजय। तुम अपने मित्र मुंह में आकर
बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, और एक सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा। मैं राधेकरण आप सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं कि गंगा पुत्र महामहिम भीष्म को फिर से कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया जाए। और ये घोषणा करता हूं कि जब तक महामहिम भीष्म इस युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करेंगे, ये राधेकरण युद्ध भूमि में नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मुझे इस युद्ध में तुम्हारी अपने मित्र की ही सबसे अधिक आवश्यकता है। हाँ, महीम से भी अधिक। नहीं मित्र, तुम भूल कर रहे हो, मैं कवच खोया योद्धा हूं और महामहिम हस्तिनापुर के कवच हैं। तुम्हें मुझसे अधिक आवश्यकता उनकी है। मैं स्वीकार करता हूं कि कौरव सेना का नेतृत्व करने में महामहिम से अधिक सक्षम कोई नहीं। मैं भी नहीं। मुझमें योग्यता है, परंतु महामहिम अपने विवेक, धर्म और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और इनके विवेक का मैं भी सम्मान करता हूं। यदि महामहिम मुझे युद्ध से दूर रखना चाहते हैं, तो अवश्य इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण होगा जिसमें सबका हित होगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर देखना चाहता हूं, और मेरा लक्ष्य पूर्ण करने के लिए मैं ऐसे हजार स्वप्न का बलिदान दे सकता हूं। बिना कौरवों की विजय संभव नहीं। अपना पद स्वीकार करें। हम साथ मिलकर ये अमृत तुल्य भोजन ग्रहण करें, हमें शक्ति मिले, हमारा तेज एक होके बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे मध्य कोई विष ना फैले, फैले तो केवल हमारा यश।
सहनावतु। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनाय धीमस्तु तेजस्विनाय धीमस्तु मा विद्विष्यावहि मा विद्विष्यावहि। ओम शांति 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 ही। आओ भोजन प्रारंभ करें। श्री रात्रि गहरी हो चुकी है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम की आवश्यकता तो तुम्हें है पुत्र, कल इस महायुद्ध में तुम्हें अपना कौशल दिखाने के लिए प्रस्तुत जो होना है। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरा पुत्र इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध में पदार्पण करेगा। मुझे गर्व है तुम पर। सब कुशल पार्थ, मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ। परंतु युद्ध में तो आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध में तो मैं अकेला ही रहूंगा माता। और यदि इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहा तो तुम मुझसे अधिक भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं होगा। परंतु मैं जानता हूं मेरी ये कामना अधूरी रह जाएगी। यदि कामना पूर्ण बल से की जाए तो वो अवश्य पूर्ण होती है पार्थ। और यदि प्रार्थना में समर्पण तो वो स्वीकार होती है। मैं आप सबके समक्ष एक घोषणा करना चाहता हूं। मैंने प्रण लिया है कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु बिना शस्त्र उठाए भी मैं इस युद्ध में सहायक रहूंगा। मैं वासुदेव कृष्ण ये घोषणा करता हूं कि इस महायुद्ध में मैं उस योद्धा का मार्गदर्शन करूंगा जिसे इस युद्ध की दिशा निर्धारित करनी है। ये युद्ध एक यात्रा है और इस युद्ध की यात्रा में मैं अर्जुन का सहयात्री बनूंगा। मेरे हाथ इस युद्ध में अस्त्र भले ही ना थामे, परंतु अर्जुन के रथ के अश्वों की रास से अवश्य थामेंगे। मैं इस महायुद्ध महारथी अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाऊंगा। Thank you.
रथी बनकर आपको आदेश दूं, यह संभव नहीं। आपका स्थान सबसे ऊंचा है तो मैं स्वयं आपको नीचे स्थान पर बैठने नहीं दे सकता। पाल, कौन ऊंचे स्थान पर बैठा है और कौन नीचे स्थान पर, ये तो देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तुमने कहा कि मैं सबसे योग्य हूं और जो सबसे योग्य होता है उसका धर्म होता है कि वो अपने से छोटों का मार्गदर्शन करे, और मैं इस युद्ध में यही करूंगा। मैं इस युद्ध में तुम्हारा सारथी इसलिए बनूंगा यदि तुम अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाओ तो पुनः तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग पर ला सको। मुझ पर विश्वास है ना? निष्ठा है माता। आज मैं धन्य हो गया जिसके सारथी आप हो। वो मार्ग कभी भटक ही नहीं सकता।